अंत में भाजपा प्रदेश के नेतृत्व द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा अंतानगर में पहुंची। भाजपा नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी तिराया पर जेसीबी मशीन द्वारा फूल बरसाकर स्वागत सत्कार किया गया। परिवर्तन यात्रा में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पीडब्ल्यूडी तिराय पर परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने मोदी 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 जिंदाबाद नारे लगाए। यात्रा के साथ चल रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आएगी। प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। इस सरकार के मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। समय आ गया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। कार्यकर्ताओं को संगठित होकर एकता का परिचय दी। सांसद दुष्यंत सिंह ने जनता से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा सीस वाली रोड से गुजरती हुई कोटा 12 मार्ग सदर नाका सीएडी सर्किल होती हुई 12 के लिए प्रस्थान कर गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।